क्या हुआ, अचानक कराची क्यों बुला रहे हो मुझे? सब ठीक है? तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें नजला, जुकाम, बुखार, टाइफाइड तो नहीं हो गया? क्या हो गया यानी आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द कराची आ जाएं, अमल के घर जाएं और उसके लिए मेरा हाथ मांगे। मेरा नहीं, मेरा मतलब है उसके घर जाके उसका हाथ मेरे लिए मांगने। यानी क्या हो गया, आप बात क्यों नहीं समझ रही? अब क्या हो गया, चुप क्यों है आप? अरे साथ नहीं देंगी मेरा क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा साथ ना दूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे कराची आने की खबर सुनकर अगर भाई भाभी भी तैयार हो गए कराची आने को तो फिर। अरे वो तो पहले से तैयार बैठे हैं यार, मैंने उनसे झूठ कहा था कि मैं चंदमा के लिए कराची से बाहर हूँ, और आप भी ना हालात का रुख देखते हुए उनको यही कहेगा कि आप कराची नहीं जा रही। तो फिर क्या बोलूं? तो फिर क्या, वो अरे वो मुल्तान में आपकी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम है उनका, जरीना, उनका बताइएगा ना। हाँ जरीना तो रहती है मुल्तान में, तो बस ठीक है मैं यहाँ से करवाऊंगी मुल्तान की बुकिंग और मुल्तान से फिर कराची। बस आनी आनी आनी, प्लीज प्लीज अब देर मत कीजिएगा। हाँ हाँ चलो अल्लाह हाफिज। आनी आ जाए तो ये काम हो जाए मेरा। चल भाई ले भी आओ गुलाबो। अरे भाई इतना एहतमाम किस खुशी में भाई? नहीं बैठो, हम अपनी बेटी के पास बैठे। मासूमियत तो देखो हमने टक लेगी। अमर पापा को सलाम करना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम ठीक हो ना, सब खैरियत? भाईजान बिल्कुल ठीक है, क्या होना इसको, आप ये लेना। अमल बेटे पापा को चाय बनाकर दो, शाबाश। चलो बहुत अच्छे बने भाई। थैंक यू भाईजान, मुझे पता ना आपको पसंद है इसलिए मैंने खास तौर पे अपने हाथों से बनाए हैं, आपको अच्छे लगे मुझे खुशी हुई। जब वक्त अच्छा चल रहा हो तो सब हरा हरा ही लगता है भाई। अमल ये कहवा एक कप में दूध दूसरे कप में क्या अलग-अलग लेता पीना? देखो सारा दिन घर में होती हो तुम, तुम्हारे पास होती है बिन माँ की बच्ची, तुम इतनी तरबियत भी नहीं कर सकी उसकी, चाय तक नहीं बनाना आती उसे, क्या करेगी अगले घर जाकर? सॉरी भाईजान कोताही हो जाती है, पता नहीं होती चली जाती है, समझ में नहीं आ रही क्या करूं, इसलिए मैं चाहती हूं ना कि घर में कोई सलीका शार कुछ सुगर सी खातून आ जाए तो अमल की तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी, और माशाल्लाह अमल हमेशा से इतनी ज़हीन है तो जल्दी सीख जाएगी ना। हर बात में मुझे लाना जरूरी है? हैं ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये नाराज होकर ही चली गई है? मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही थी बस। सॉरी कहना चाहिए था उसे, सब उठा के कमरे में चली गई। मुझे तो सुबह से कुछ उदास उदास ही लग रही भाजी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद देखता हूँ जाके। सिकंदर अब तुम देखना ये लड़की भाईजान के सारे रातों को डामाडोल कर देगी, तुम्हें क्या जरूरत सच बोलने की? मैं बोलूं तो कहे ना बोल, और बड़े भैया का इरादा डामाडोल। अर्ज किया है तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा चुप रहना भी तेरे बोलने से कम नहीं। मैं खामोश रहकर भी ना बोल सकती हूँ, बड़ी अच्छी तरह बोल सकती हूँ। आपने भाईजान की तरह चुप। यही होता है शायरों के साथ हमेशा। अमल क्या हो गया बेटी, ठीक हो ना? नहीं ऐसे नहीं होती हो तुम, कोई है बात छुपा रही हो मुझसे? अमल क्या हो गया, अगर तबीयत अच्छी नहीं तो डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी फिक्र करके आते नहीं बिगाड़े पापा, जब कल आप मुझे नजरअंदाज करने लगेंगे तो मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसे क्या देख रही हो, कुछ है छुपा रही हो पापा से? चलो उठो हम बाहर चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा गुड आ जाओ चलो।
कोमल क्या हो गया मुझे? पिछले साल तेरी ये सहेली अपने दो शतुंगड़ों के साथ पूरे 8 दिन इस घर की तबाही मचा के गई है। तू तो उसके साथ बातें करती रहती थी, बच्चे तो धमाल मेरे सर पे डालते थे ना। ओ पैन मेरी है, ओ अभी कोई काम रह गए हैं जो मुल्तान जाके करने हैं? भाई जी मैं इस घर के माहौल से तंग आ गई हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। सुन रहे हो? ओ कान है तो सुनूंगा ही ना। हाँ तो गौर से सुनो, इस घर में बीवी बेटी से ज्यादा बात बहन की सुनी जाती है, और वो तुम्हारे मुंह पे साफ साफ कह रही है कि उसकी जुत्ती को भी परवाह नहीं है। तौबा तौबा तौबा, जरा सी तो मुरव्वत होनी चाहिए इंसान में है। बातें भी हमें सुनाओ, पैसा भी हमारा खर्च करो। ओ माय गॉड, किसके पैसे? और मेरे ख्याल से जिसका पैसा है ना उसे कोई एतराज नहीं होगा मेरी ट्रिप से, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। मम्मी मैं भी ना फूफो के साथ जाना चाहती हूँ, इस घर में रह रहे के ना मैं भी बोर हो रही हूँ। ओ चल उठ निकल यहाँ से, चल कमरे में जा, बोर हो रही हूँ। फुफो ले ही ना जाए तेनु नाल। मेरी गल सुनो, ए जरूर किसी सीक्रेट मिशन ते चली है आ, तभी दबे दबे लफ्जों में सानू तड़ियां भी ला रही है। नहीं नहीं ठीक है, जाओ जाके हो क्या है। बस ये जो पैसे वाली बात है ना, है पैसे वाली बात, ये आइंदा मुंह से ना निकाल, इसी में हम सब की भलाई है, समझी? हैं? पैसे पैसे पैसे, तड़ 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 कैंची वांगू जबान चल रही है, दीनू जरा समझा लो ते डक के रख पन्नू। कैंची जैसी जबान है, तू अपना सूट कटवा ले नवा उससे। कैंची जैसी जबान, पूछो कि उनकी गाड़ी आ गई है वर्कशॉप से या नहीं, अगर नहीं आई तुम ड्रॉप कर देना उन्हें। तो भाईजान आप ड्रॉप कर देना, ताबी तो वैसे भी आपको पता है। नहीं नहीं देर हो जाएगी मुझे, और ये कुछ काम कर लेगा तो घिस तो नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैं कहना ये चाह रहा था कि कल की तरह आज भी देर हो जाएगी मुझे, वो कल भी साइड पे जाना हुआ, सब कुछ उल्टा पुल्टा सा हुआ है, खाने में भी ऊपर नीचे हो जाता है। खाना कुछ रात में ना लाइट बना लेना। अच्छा ओके बेटा, फाइन तबीयत अगर कुछ ठीक ना हो तो तुमने ताबी के साथ डॉक्टर अली के क्लिनिक चले जाना है, ठीक है? नहीं पापा अब तो मैं बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हूँ, थैंक यू, आप जाएं, अल्लाह हाफिज़। ओ ग्रेट ओके, हाँ भाई वो ब्रीफकेस ले आओ। पापा, आप बताएं, इतना है तमाम आपने पहले तो कभी नहीं किया नाश्ते पे, क्या बात है, क्या बहुत खुश हैं आप? खुश है नहीं, खुश नहीं मामा, कल जिस तरह तुम्हारा फेस लटका हुआ था ना, आज देखो मामा का फेस। चुप करके नाश्ता नहीं होता तुमसे। मैंने बिला वजह पापा पर शक किया, वो बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं है, और असलान उस बेचारे को भी इतनी बातें सुनाई जबकि पापा और पड़ोसन के बीच कोई सीन ऑन ही नहीं था। अभी जाकर असलान से सॉरी कर लेती हूँ, जहाँ प्यार हो वहाँ ज़्यादा देर तकरार नहीं रहनी चाहिए। अजान 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 अजान, अजान अजान अजान,
हेलो अजलान, मैंने ना तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। और आप कौन? मुझसे पूछ रहे हो कौन बात कर रही हूँ? तुम कौन बात कर रही हो? अच्छा लगता है कि तुम अजलान के ऑफिस में कोई सेक्रेटरी या यू नो उस तरह से कोई बात कर रही हो, है ना? अच्छा, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है। बहुत सैड। आप कौन बात कर रही हैं? हैं? फिर वो स्टूपिड सवाल। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर हूँ। हेलो हेलो, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर। अमल अमल अमल, कहाँ थे तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। तुम रो क्यों रही हो? किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं उसको ऐसा मजा चढ़ा के आऊंगा, याद रखेगा वो। अमल तुम क्यों परेशान हो रही हो? ताबी के होते हुए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है। तुम देखना, तुम्हें जिसने हर्ट किया है ना, मैं पूरी क्रिकेट टीम लेके पहुंच जाऊंगा उसके पास। इससे क्या हो गया यार? ओए ओए, लड़की वालों के घर आना जाना लगा रहेगा, कितने कपड़े रखूं? ओए पता नहीं क्या पहनते होंगे कराची में लोग, उस हिसाब से कपड़े होंगे मेरे पास के नहीं। शॉपिंग भी कर लूंगी। असलान, ओ हाय सरानी, इतने सारे कपड़े हैं ना, तू हमें ये सहेलियों का कह के पागल तो नहीं बना रही? क्या हो गया भाभी जी, क्या कहना चाह रही हो? खुल के बोलो। खुल के बोल देती हूँ, मैं डरती हूँ तेरे से। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि तू घर से भाग के जा रही है, इतने जो कपड़े लेके जा रही है। घर से भागूंगी मैं? जरा सोच समझ के बोला करो भाभी जी, जब वजह थी तब मैं घर से भागी नहीं, इसी चार दीवारी में मैंने जिंदगी गुजार ली अपनी, अब क्या भागूंगी? फिक्र नहीं करो तुम, इज्जत को बट्टा नहीं लगाऊंगी। ये तो है, इसमें तो कोई दूजी बात नहीं है। मेरी बहन ने हमेशा मेरे फैसले के आगे सर झुकाया, कभी मेरे फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो मैं भी मखौली कर रही थी, इसमें इतनी अक्ल कहाँ जो भाग ही गई होती। और वैसे वो साजा पान वाला ही अब रह गया है, तो क्या करना है बाजी उसका? वो बार बार फोन करता है, बता दे उसे क्या जवाब देना है। एक दफा कराची से वापस आ जाओ, अजलान से कह के साजे पान वाले का भी बंदोबस्त करवाती हूँ। मेरी सोनी बहन के लिए साजा पान वाला क्यों? और पान वाले मर गए हैं क्या? बेस्ट है शहर में वो। अच्छा खैर है,
ख्याल रखना अपना है। मुझे जानी है। प्लीज मेरे लिए 6 डब्बे सोन हलवे के जरूर लाने थे। 6 डब्बे सोन हलवे के फलवाना दिखो रही है भाई जी। सोन हलवे का तो पता नहीं लेकिन मिठाई जरूर लेके आओ। ठीक है चलें जी भाई जी। ख्याल रखना अपना है। रब रखा। अच्छा भाई जी मेरी मैना को ना दाना दिलवा दीजिएगा और मेरे कमरे की सफाई करवा दीजिएगा और मेरा बैग रखवा दीजिएगा गाड़ी में। हाँ मैं रखवाता। चलें फिर जी। मेरी खबियां क्यों फड़क रही है भाई यार। आपने जो कमरे में नहाने की जगह दी है वो तो इतना ठंडा पानी आ रहा है, नहाया नहीं जा रहा उससे। और जो मुझे चादर दी है, मैं छोटा हूँ बस सही है, मुझे रुमाल दे दिए, मैं पूरा ही नहीं आ रहा उसमें। अच्छा बात सुनो मेरी। हाँ। घर का ना कोना कोना चमकना चाहिए। आनी आ रही है मेरी, ये समझो कि घर की मालकिन आ रही है। अगर कोई भी शिकायत का मौका मिला ना तो छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे आप फिक्र ही ना करें, घर का कोना 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 चमका देंगे। आप सिर्फ ये बताएंगे खाना क्या बनाना है। हाँ खाने में मेरा ख्याल है मटर पुलाव। नहीं नहीं करेले गोश्त। चापे अगर छोटे के पाए हो जाए ना। हाँ हाँ। अरे चुप करो, वो कोई भी फैंसी खाना नहीं खाती है। एक काम करना, सादा से खाना बना लेना और साथ में कबाब वगैरह बस। क्या हो गया बॉस, इतनी दूर से आने आ रही है, घास पूस खिलाएंगे भाई, कोई धुम्बा शुम्बा हो जाए। हाँ 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 हाँ। मुझे पता है ये धुम्बा बनाएगा कौन और खाएगा कौन। चलो लगो काम पे। अच्छा आदमी नहीं मिलाता मैं यार। चल आ जा, हाथ मिलाया था। अमल को बता दूं क्या? नहीं फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? फिलहाल किसको नहीं बताता। ये इसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है यार? चलाकी से मुझे वो कंगन हड़प लिए, मैंने कुछ नहीं कहा। पीछे नहीं जा रही है, माँ की आखिरी निशानी है यार। कुछ भी हो जाए जो है जी, मैं वो कंगन आपको ला के दूंगा। आई प्रॉमिस यू। इंतजार था जिस शाहकार का, वो आ चुका है यहाँ पे। प्लीज वेलकम उस्ताद जी। पहलवान जी ओदे नाल की सीन फसा रहे हो, ते मेरे नाल आके गल करो ना, की खिचड़ी पक रही है। हाय 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 चौधरी पहलवान नफीस, ओ क्या दिमाग पाया है तूने। ओ तेरे दिमाग का अंग्रेजों को पता चल जाए तुझे तो अगवा ही कर लेंगे वो। हसीना जी जरा इधर तो आओ। अच्छा बैठो मैं आप आता हूं। बात सुनो, दसो फिर है कि नहीं। वाह जी वाह पहलवान जी, मैं मन गई आज तनु। इस वेले अगर मैं तुम्हारी जानने की दाद ना दिती ना तो बड़ी ज्यादती हो जानी है। देओ फिर। हेलो हनी। ओ हनी छेती आ छेती। जी मम्मी। मम्मी जल्दी दसो भी मैं बहुत बिजी हूँ। ओए मेरी बिजी बांदरी है। चल भाई मेहंदी की तैयारी कर। हाँ ते बुला ले अपनी सारी नीली पीली से ले आने। किसकी मेहंदी? पुत्र मेरी तो हो नहीं सकती, हूं तीती मेहंदी। नो मम्मी नो, शादी और मेहंदी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, तुला। पगली होती है ना तुला, तू क्यों फिकर कर रही है, तू सिर्फ तैयारी करा। हाय मम्मी वो तो नहीं ना, नवाब कबाब। नहीं नहीं पुत्र नहीं, वो गोल्डन वर्ड्स है। ऐसा दमाद तो मुझे मुफ्त मिले तब भी मैं ना लूं। अच्छा इन बातों को तू बस तैयारी कर, फिर ये ना कहना कि खबर नहीं हुई। लेकिन डैडी जी शादी हो किससे रही है? ओ हुई साड़ी जान दा अजाब, ओ चलाक लोमड़। अज़लान पहचान गई। हाय वाकई मम्मी। ओ हाँ वाकई। ओ इस वक्त तेरी ओ फूफी फितना मंजर से गायब थी, हमने सोचा मौका अच्छा है फायदा उठा लें। लेकिन वापस कैसे आएगा, वो तो अभी वहाँ जॉब कर रहे हैं, फिर वो उसने कंपनी स्टार्ट करनी है। पुत्र तू उसकी फिक्र ना कर,
वो सारा तरीका मैंने सोच लिया, तू बस तैयारी कर। आए मेरी लाटो। खुश होगी। लो जी फिर मूड ड्राई फ्रूटी करो। एलो जी मुबारक होवे। तुहानू भी। मे आई कम इन अमल बेटा? जी चाचू आ जाए। अमल बेटा मुझे तो लगता था कि शोर हो या खामोशी मुझे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी एक दिन की खामोशी ने इस घर की फिजा में छाया है जमूत। बेचैनी से हो रही है अमल बेटा मुझे। चाचू जी बेटा क्या आपको वाकई मेरी फिक्र हो रही है? बेटा तुम तो इस घर में जिंदगी की अलामत, हम भला इस अकेले कमरे में अकेली क्यों बैठी हुई हो? और तुम चाहती हो ना तुम्हारे अब्बा की जिंदगी में इस उम्र में कोई औरत ना आए? मैं भी ये चाहता हूँ पर ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब तुम मूड अच्छा कर लो यार, रिलैक्स हो जाओ। बाकी चाचू। हाँ बेटा। थैंक यू। You're welcome. मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द है, रिलैक्स करके आती हूँ बाहर। अरे तुम मूड ठीक करो, म्यूजिक लगाओ, म्यूजिक है, म्यूजिक। कौन? सही ना? मैं तब तक ये व्हीलचेयर वाले को बोलता हूँ कि इसमें कुछ मसला आ गया है, कुछ फ्लो नहीं आ रहा, फ्लो। या म्यूजिक। मैं आपको कैसे बताऊँ चाचू, किस तरह बताऊँ अज़दान ने मेरे दिल से खेला है, इंसर्ट की है मेरी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ नहीं नहीं फूलों का सिस्टम तो अच्छा है, बस लाइटों का अच्छा सेटअप कर देना। और ये जो साइकिल भेजा है ना फूलों वाला, ये बहुत छोटा है, बड़ा साइकिल भेजना था या फिर मोटरसाइकिल खड़ा कर दो, उस पे ज्यादा फूल आ जाने हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मेहंदी तुम्हारी नहीं, हनी की, हनी का जोड़ा दिखाओ। वो ठहरते जाओ हले, ए वेखो ए परांदा वेखो तुसी की ले आई, ए वेखो गुलाबी। वाकई तो बहुत सोहना है, लेकिन ये इतना भारी परांदा हनी के बालों में ठहरेगा? वो हनी दा नहीं हैगा, मेरा है। वो सारी चीजें अपनी लेके आई हो, अच्छा तुम्हारे दुल्हन बनने के ख्वाब ही पूरे नहीं होते? ना दस दियो मैनू, ना खरीदा मैं अपने लिए कोई शहर, दस दियो तुसी, नहीं लेंदी फिर मैं अपने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। ये कहां से टपक आया? क्या बात है भाई, पूरे घर में फूल लगाए जा रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, शॉपिंग हो रही है, किस चीज की तैयारी हो रही है? पुत्र जी मेहंदी की तैयारी हो रही है, आपको नजर नहीं आ रहा? मेहंदी? किसकी मेहंदी? नवाब पुत्र तुझे ना तेरी खाला की जान की कसम है, मेहंदी वाली रात तूने जलपरी वाला डांस करके पानी में आग लगानी है। डैडी सच्चाई दिया, मेरी दोस्तों को बहुत मजा आएगा। पता मेरी गल सुनो, अपनी मां नू ना कह दी, मैं उन्हें कहना भूल गई सी ते मुंह जबानी कह दी उन्हें। फिर मुंह जबानी कह देना, इन्होंने भी तो मुंह उठा के आ जाना है। पर खाला जान मुझे भी तो बताएं किसकी मेहंदी है, कितने बजे है? मेरा मतलब है अम्मी को मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा मेरा दिल ना बड़ा जोर से धक धक कर रहा है। पुत्र नवाब अपनी खाला के साथ बैठ के ना टप्पे गा ले, उसे दिल की धड़कन जो नॉर्मल हो जाएगी, और वैसे भी बहन को रुखसत करने के लिए मजबूत दिल चाहिए होता है। यार टप्पे दा आइडिया चंगा देता है तुसी, है टप्पे गाएंगे। सही है भाई, सही है। खालू जान, खाला ते कजन, तुम तीनों मिलके मेरा मजाक बना रहे हो ना? नहीं कोई गल नहीं,
मैं अम्मा को जाके सारा बताता हूँ, तो फिर अम्मा आएगी मेरे साथ यहाँ, देखना जरा अपनी बेइज्जती का बदला लेके जाऊंगा। अभी लेके आता हूँ। बड़ा तेरी अच्छू पहलवानी लाओ, तुझे लेटो मानू ऐडा तू चिट्टा कुक्कड़ बने रहते हैं। धमकी भी सानू ए पहलवान जी, ऐडा तू चिट्टा कुक्कड़ बने रहते हैं। ठहर जाओ ना, एक और शेर दिखानी है। अरे ये बता दो ये तुम्हारी है या हनी की? मेरा। फिर रहने दे, जब पहने की मैं देख लूंगा भाई। कुछ नहीं लिया आपने मेरे लिए? हाय झूठी ना होए, इतनी शॉपिंग की थी सारी गड्डी में, कितना झूठ मार रही है प्यो दे आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बरसों पहले जैसा था वैसे ही हूँ। आप बताएं कोई काम है आपको? नहीं, वो मुझे कहना था कि आप अगर गुलाबो आई है तो उसे मेरे यहाँ भेज दें, उससे काम है। हम गमों में चूर लोग, हमें भला क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप खुद ही जाके देख लें। थैंक यू। सुने जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके। सती, ये मेरा गुमान था? नहीं, हकीकत में इसरा को देखा है? अबे इसरा थी? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। क्या वो इसरा थी? इसरा थी या इसरा जैसी थी? नहीं, कंफर्म इसरा थी, कंफर्म इसरा थी, कंफर्म। इन वैन क्यों आगे बीच में, वैन क्यों आगे बीच में है यार? इसरा थी तो कहाँ गई? नहीं, उस घर में तो लोग रहते नहीं है, और सीधे आता घर में अजलान का घर है। लेकिन वो अजलान के घर क्यों आएगी? अजलान तो ऑफिस गया हुआ था, तो फिर इसरा कहाँ गई? इसरा थी, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बार बार कॉल्स कर रहा है, बेवकूफ बनाना चाह रहा होगा। इसे तो मजा आ रहा है ना ये खेल खेल के। अमल, अमल, ऐसा क्या गलत कर दिया जो कमरे में मुंह छुपाए बैठी हो? मैंने इससे पहले कुछ गलत किया जो अब करूंगी? अच्छा छोड़ो, मजे की बात सुनो। हमारी पिछली वाली गली में गोल्डन गेट वाला घर है ना, उस घर में एक भिन्नी पकौड़ी सी लड़की रहती है। वो जब भी मुझे देखती है ना, स्माइल पास करती है। क्या क्या क्या? ये हैरानी और खुशी वाला मिला जुला एक्सप्रेशन आराम से भी तो दे सकती हो। एक्शन रिएक्शन को छोड़ो, उस लड़की से मिलाओ मुझे। इस दुनिया ने हमें समझ के क्या रखा है? ये हम शक्ल से इतने अहमक लगते हैं कि जिसका दिल चाहा हमारे साथ शुगर लगा के चले गए, मोहब्बत के नाम पे हमें धोखा दे दिया। हेलो एक्सक्यूज मी, ऐसे रूड बिहेव क्यों कर रही हो? मोहब्बत में और स्माइल पास करने के बीच में बहुत लंबा फासला है। ओ हेलो, चलाक लोग ना ये फासला मिनटों में तय कर लेते हैं, और मैं नहीं चाहती तुम मोहब्बत में धोखा खाओ। और ये फीनी लड़की, इससे मुझे मिलना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा कि अगर मेरे भाई पर मुस्कुराना ना छोड़ा तो जो गनीमत सी नाके ना ये भी नहीं रहेगी। वो तुमसे तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि तुम तो चाहती नहीं हो कि मेरी जिंदगी में कोई जीती जागती लड़की आए। जो भी समझो, मैं किसी को तुम्हारे दिल से खेलने नहीं दूंगी।
दूर रहो इस लड़की से, बल्कि हर लड़की से, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सिर्फ टाइम पास करते हैं लोग और दिल ही दिल में हंसते हैं आप पे, बस। मगर अमल तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ताबी बहस नहीं करो मुझसे, मेरी खुशी ने दो मिनट में मिट्टी में मिला दी। ताबी बस चुप। आनी आप अमल से मिलेंगी ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। मैं लफ्जों में तो बयान ही नहीं कर सकता वो कितनी अच्छी है। अच्छा, अगर वो मेरे मयार पे ना उतरी तो फिर? अरे हो ही नहीं सकता, वो इतनी अच्छी है कि बस क्या बताऊं। खैर एक काम करते हैं, बहस करके क्या फायदा, मैं उसको अभी बुला लेता हूँ। अच्छा रुको, अभी नहीं बुला। हाँ क्यों? मैं सोच रही पहले अपनी शॉपिंग करूंगी, अच्छे से कपड़े खरीदूंगी, अच्छा तैयार टिप टॉप होके फिर उसके सामने जाएंगे। इस हुलिये में देखेगी ना, सोचेगी अजलान के घर वाले कौन गवार हैं। ये बात भी ठीक है बस, है ना? और मुझे उसके लिए गिफ्ट भी लेना है, वहां पे भाभी और हनी की वजह से कुछ खरीद ही नहीं पाई। तो बस ठीक है चले अभी। हाँ नेका हमें देर किस बात की भाई। हाँ ये तो तुमने सही कहा, चले। तुम्हें पता है अजलान, मैंने सोचा था कि मैं इस कराची शहर में ना अब कभी कदम नहीं रखूंगी, सिर्फ तुम्हारी खातिर आई। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत अपनी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है। दिल खुश कर दिया आपने, चलो चलते करम आज। खालू जान, खाला जान, ते कजन, मैंने आप लोगों को कहा था ना अम्मा को बताऊंगा और लेकर भी आऊंगा, बता भी दिया और लेकर भी आ गया। चलो जी आ गई बाजी जी, दास की चैंपियन तो आप आई हैं, अब आएगा मजा कुड़ियों। चलो जी आजा बाजी। तुम लोग ना मेरे बेटे का दिल तोड़ के हनी का ब्याह नहीं कर सकते हो। हाँ मैं कह रही हूँ। लो जी पड़ गया ना फसाद, वैसे सारे खानदान के लड़के मेरे आशिक हैं और मेरी शादी का सुन के सब नौजवान बिस्तर से लग गए। ओ हेलो, अपने पैरों पे चल के आया हूँ मैं, बिस्तर पे लगा दिया, एडी दूर रहती रही शोखी। ये देखो बेशर्मा, उधर मेरा पुत्र रो रो के पागल हो रहा है और ये ड्रेसिंग कर रही है। जबान संभाल कर बात करनी बाजी। हाँ खबरदार मेरी तीनू कुछ किया थे, तानू बुलाया है ना ते फसाद ना पाओ है थे, जे बुला सकनी है ना ते तिक्के मार के बार भी काट सकनी है मैं। ओ बाजी मैं आपके लिए गाना लगाता हूँ, और डीजे बाजी के लिए वो गाना लगा बेबी कम डाउन कम डाउन। हसीना देख तूने मुझे इतने सालों ना आसरे में रखा, कहने का भी आना मेरे नवाब के साथ होवेगा, लेकिन पता नहीं आप तो किन फराटियों के चक्कर में पड़ गई है। ना मैनू दस कौन है वो ना मुराद जिसकी वजह से तूने मेरे फूल से बेटे का दिल टोटे टोटे कर दिया। हाँ अब कुड़ियो पुत्रियो ओए परेशान नहीं होना, ये दोनों बहनों का जो झगड़ा है ना इसको सीरियस नहीं लेना, ये इनका ना खानदानी निजाम है, जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो थोड़ा सा फसाद होता है फिर सही हो जाती है। अच्छा बाजी फुल्ला वाली कुर्ती हुई वखियां तो तंग गई है तो आपकी पसंद है। ओ जी चुप कर जाओ। ओ बाजी तू यही जानना चाहती है ना कि मैं हनी का ब्याह किसके साथ कर रही हूँ, ते सुन ले कान खोल के सुन ले फिर ना मेरे को पूछी। मैं हनी दा ब्याह फॉरन क्वालिफाइड अजलान नाल कर रही हूं। ओ केड़ा अजलान, ओ अजलान जिसका नाम लेते तेरी जबान बल्ब
ਮੈਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਦੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਝੇ ਕਭੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਹਾਂ ਕਭੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਆਪ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੱਚੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾਗਨ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਡਾਂਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਔਰ ਰਸਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਸਮ ਕਰਾਂਗੀ ਪਾਗਲ ਆ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਅਮਾ ਓਏ ਅਮਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਓਏ ਅਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤੂੰ ਓਏ ਅਮਾ ਓ ਅਮਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਹਟੋ ਯਾਰ अच्छा हो गया चलो शॉपिंग तो हो गई अब तुम चाहो तो अमल को कभी भी बुला लो मैं रेडी हूँ ये हो सकता है वैसे ये मामी का फोन इस टाइम पे क्यों आ रहा है जी अस्सलाम वालेकुम मामी अजलान ओए अजलान अजलान तू कितने है गए मेनू बड़ी लोड़ है तेरी इस वेले अरे क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं मैं रोऊं ना तो क्या करूं पुत्र मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया मैं उजड़ गई नहीं हुआ क्या है मुझे कुछ बताएं तो सही मैं परेशान हो रहा हूं तेरे मामू और पुत्र की यार मेरा साह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना ओ तेरी ऐसी सबर ते कर्जा सुनते ले नहीं तो फिर हुआ क्या है कुछ बताएं तो सही ए बड़े बीमार हो गए ने अचानक ते डॉक्टर ने जवाब दे देते मैं ते कल्ली हैगी असलान इसरा भी नहीं हैगी ओ पता नहीं केड़े शहर से पाटिया से निकली हुई है ते तू आ जा जल्दी नाल मामी मेरी बात सुन रहे कुछ नहीं होगा मामू को इंशाल्लाह सब ठीक होगा पुत्र तू बस छेती नाल आ जा ते तेनु बड़ा याद कर रहे ने बार बार तेरा ही नाल ले रहे ने अजलान अजलान ओ बेटा बस तुझे याद कर रहे तू आ जा बस आ जा अच्छा ठीक है आप फिक्र ना करें मैं आता हूँ कदों तक बस ये पेरी फ्लाइट लेके आता बच्चे दिन आ जा अजलान पुत्र बड़ी कल्ली हो गई यहाँ पे तू बस आ जा पुत्र जल्दी आ जा ये ना हो फिर देर हो जाए हाँ पुत्र डॉक्टर ने जवाब दे देता है देर हो जानी है छेती आ जा छेती आ जा पुत्र देर होना लीजिए आ जा बस आ जा काटेंगे आज क्या हुआ भाई जी को मैं तो अच्छा वाला छोड़ के आई थी अपने भाई को असलान जल्दी करो बस अभी ना हमें भाई जी के पास पहुंचना है आनी आप फिक्र ना करें आप आराम से बैठे मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए जल्दी करो ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ सीट करवा रहा हूँ मैं बस अब बैठिए ना मैं पानी लेके आता हूँ बैठे परेशान ना हो मैं एजेंट को फोन कर रहा हूँ जल्दी करो फिर भी देखो चले है